इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की जो तैयारी है वो तो हो चुकी है, लेकिन जो पिक्चर अभी तक सस्पेंस बना हुआ था, अब वो पिक्चर भी धीरे धीरे क्लियर होने लगी, यानी सस्पेंस धीरे धीरे हट रहा है। दोपहर 1:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 27 मंत्री शपथ लेंगे और जिन विधायकों को पद मिलने वाला है, जिनको शपथ लेनी है, उन्हें फोन जाना भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी, विधायक नरेश पटेल, कानू भाई देसाई, ब्रजेश मिर्जा, ऋषिकेश पटेल, हर्ष सिंघवी, अरविंद रयानी, किरीट सिंह राणा, राघव जी पटेल, कुबेर भाई डिंडोर और जीतू चौधरी को शपथ में शामिल होने के लिए न्योता मिल चुका है। तो ये जो कुछ नाम है सामने आ चुके हैं, अभी इसी तरह से और सारे नाम है जो लगातार सामने आएंगे और 1:30 बजे आज एक नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा, जिसमें नए चेहरे होंगे, जो सरकार का एक फ्रेश चेहरा जो कोशिश थी इस फेरबदल के जरिए भेजने की या दर्शकों को जनता के सामने लाने की, वो सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि इसमें जो तमाम जो चेहरे हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो पिछले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। और भूपेंद्र पटेल की जो सरकार है एक नए तस्वीर के साथ, नए क्लेवर के साथ सामने आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ ये कहीं भी नहीं हो सकता कि आप जिक्र करें यहां पर राजनीति की और पीछे कास्ट की बात ना हो, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 10 नाम सामने आ चुके हैं कि कौन कौन अगला मंत्री बनने जा रहा है, और इस पर ये नाम एक बार आपको फिर से बताते हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख नाम आता है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी का। गंदेवी, नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।